बीते पांच वर्षों में आपने देखा है कि मजबूत सरकार का मतलब क्या होता है। जब सरकार मजबूत होती है तो आतंकी हमलों के बाद देश चुप नहीं बैठता है, घर में घुस करके मारता है। आप मुझे बताइए, जब भारत ने आतंक के सरपरस्तों को सजा दी तो छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? सहज रूप से मन को आनंद आया कि नहीं आया? आप यही चाहते थे ना? यही चाहते थे ना? मैंने सही किया ना? यही चाहते थे ना? मैंने सही किया ना? सरकार से सामान्य मानवी की यही अपेक्षा होती है ना कि लोग आए, मारे, चले जाए, ऐसा चाहते हैं क्या? कोई ऐसा चाहेगा क्या? भाइयों बहनों, जब मजबूत सरकार होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी होती है। जब मजबूत सरकार होती है दुनिया भी हमारी बात सुनती है, और जब मजबूत सरकार होती है तो दुनिया भी अपना रौब झाड़ती है हमारे ऊपर। आज आपको डगर डगर एक एक दिन ये अनुभव होता है कि नहीं होता है, दिल्ली में सच्चे अर्थ में मजबूत सरकार है? क्या हमारे कदमों के कारण आपको मजबूत लगती है कि नहीं लगती है? जब मजबूत सरकार होती है तो देश हित में बड़े फैसले लिए जाते हैं, और जब मजबूर सरकार होती है तो कुछ लोगों के स्वार्थ करने के लिए फैसले होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के मेरे साथियों, अब निर्णय की घड़ी आ चुकी है। आप इतनी ताकत से बताइए ताकि छत्तीसगढ़ की धरती से पूरे देश को संदेश चला जाए, आपको मजबूत सरकार चाहिए या आपको मजबूर सरकार चाहिए? पूरी ताकत से सब पे सब बताएं, पीछे वाला भी बताएं, कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? अरे दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बताइए, कैसी सरकार चाहिए? ये छत्तीसगढ़ बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, और आपकी आवाज, ये आपका जुस्सा दिल्ली में बैठे हुए इनके आकाओं को आज नींद नहीं आने देगा। उनको लगेगा अगर छत्तीसगढ़ का ये मिजाज है तो फिर तो उनके लिए बचने की कोई जगह ही नहीं रही। भाइयों बहनों, आपको चौकीदार की सरकार चाहिए या भ्रष्टाचारियों की बारात चाहिए?